देखिए, सबसे पहले तो ये गेट जो है तो आस्तिक कुमार पांडे साहब की स्मार्ट सिटी की ट्रॉफी है, जो स्मार्ट सिटी का मुद्दा लेके हम लोग पिछले 2 साल से पूरे शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या बात है कि आस्तिक कुमार पांडे साहब को ये महमूद दरवाज़ा नहीं दिखा। चलिए, महमूद दरवाज़ा नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मगर जो है तो यही रोड है जो है तो घाटी को जाकर कनेक्ट होता है। यहाँ से अपने ज़िले से आने वाले जो भी नगर नाके से जो भी अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट की हर एक सेकंड की जो है तो उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है तो जो झूलता है तो हर एक सेकंड की उसके अंदर वैल्यू होती है। इसकी बात की तो खादर इम्तियाज़ जलील साहब की निधि से जिस तरीके से बारा पुल्ला का ब्रिज बनाया गया है उसी तर्ज पर जो है तो यहाँ पर भी महमूद दरवाजे के बाजू से जो है तो खादर निधि से ब्रिज बनने वाला है, उसका काम कुछ दिनों में चालू होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। अक्सर आपने हर न्यूज़ में ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ का जो गेट है पंचक्की को लगकर, यहाँ पर ये गेट का बहुत दिन से काम चालू है, पूरी तरह बंद है। यहाँ पर हादसे भी हुए, यहाँ पर लोगों ने कई पार्टियों की तरफ से स्टनबाजी भी हुई इस गेट को लेकर, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया कि गेट का काम चालू हुआ। अब हमारे साथ समीर बिल्डर साहब मौजूद है। गेट ऐतिहासिक है, लेकिन सबसे अहम बात तो ये कि गेट का काम अभी हुआ नहीं है। क्या ये स्मार्ट सिटी है या स्मार्ट सिटी में हम लोग जी रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये। समीर बिल्डर साहब एमआईएम पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके यहाँ पर एमपी भी है और यहाँ से इनको सेंट्रल से कई सारे वोट्स भी इन लोगों को मिले हैं। अब इनके इतने नगर सेवक हैं। आज समीर बिल्डर साहब से बात करते हैं। सर, सबसे सीधा और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आखिर इस गेट का काम रुका, इसकी वजह क्या है? दूसरी बात है कि आप एमपी लेकर आप यहाँ पर मैदान में हैं, आपके नगर सेवक 25 आपके यहाँ पर है, ज़िला अध्यक्ष आप हैं, क्या बात है कि आखिरकार ये गेट रुक गया है सर बनने से? देखिए, सबसे पहले तो ये गेट जो है तो आस्तिक कुमार पांडे साहब की स्मार्ट सिटी की ट्रॉफी है, जो स्मार्ट सिटी का मुद्दा लेके हम लोग पिछले 2 साल से पूरे शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या बात है कि आस्तिक कुमार पांडे साहब को ये महमूद दरवाज़ा नहीं दिखा। चलिए, महमूद दरवाज़ा नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मगर जो है तो यही रोड है जो है तो घाटी को जाकर कनेक्ट होता है। यहाँ से अपने ज़िले से आने वाले जो भी नगर नाके से जो भी अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट की हर एक सेकंड की जो है तो उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है तो जो झूलता है तो हर एक सेकंड की उसके अंदर वैल्यू होती है। और ये रूट सबसे फास्टेस्ट रूट होता है नगर नाके से घाटी के लिए आने के लिए, मगर जो है तो पिछले 40 से 45 दिन से ये रोड जो है तो बंद है। ये रोड और अभी जो तरीके से आप लोग आ रहे हैं, अगर आप आए होंगे तो उसका भी विजुअल लीजिएगा, इसी रोड से जो है तो तकरीबन लोग आ रहे जा रहे हैं। तो ये जो है तो लोगों को धोखा है। पिछले हफ्ते में भी एक आदमी जो है तो यहाँ से गिर गया था, उसकी भी कंप्लेन हम लोगों ने कॉरपोरेशन के पास की है। मैं आस्तिक कुमार पांडे साहब से ये अदबन गुजारिश करूँगा कि साहब जो है तो औरंगाबाद में 2 शहर नहीं बसते, एक पूरा औरंगाबाद बसता है, तो जो है तो आप थोड़ा ध्यान जो है तो ओल्ड सिटी की तरफ भी दीजिएगा। अगर आपको महमूद दरवाज़े से कोई मोहब्बत नहीं है तो मैं समझता हूँ कोई मोहब्बत नहीं, कोई बात नहीं, मगर कम से कम जो है तो इस रोड का काम चालू करवाइएगा ताकि जो पेशेंट घाटी को आने वाले हैं उनकी जान बचाया जा सके और वो फास्टेस्ट रूट से जो है तो घाटी को पहुँच सके। सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी इस साइड का तो दरवाज़ा निकाल दिया गया है, इस साइड का दरवाज़ा अभी भी बाकी है। अब आने वाले वक्तों में कि ऐसा ना हो जाए समीर साहब कि ये दरवाज़ा भी अगर कहीं ना कहीं ये खुलने के बाद आप उस तरीके से देख रहे हैं कि ऊपर पूरा खिलखिला हो चुका है, अगर कोई बड़ा पत्थर नीचे आता है, कोई यहाँ से जा रहे हैं, अगर हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार पूरी तरीके से जो है तो आस्तिक कुमार पांडे साहब रहेंगे, जो औरंगाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। उनकी गफलत की वजह से, उनकी नींद की वजह से, उनकी धांधली की वजह से जो है तो ये रोड जो है तो पिछले 40 से 50 दिन से बंद है। इसके अलावा जो है तो जो आपने विकास की बात की तो खादर इम्तियाज़ जलील साहब की निधि से जिस तरीके से बारा पुल्ला का ब्रिज बनाया गया है उसी तर्ज पर जो है तो यहाँ पर भी महमूद दरवाजे के बाजू से जो है तो खादर निधि से एक ब्रिज बनने वाला है, उसका काम कुछ दिनों में चालू होने वाला है। कोरोना की वजह से वो काम लेट हुआ है, इंशाल्लाह वो जब ब्रिज बन जाएगा तो इंशाल्लाह ये रोड और स्मूथ हो जाएगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा है कि यहाँ पर हादसे होने के चांसेस है, ये है तो एमआईएम पार्टी की तरफ से आप क्यों ऐसे आस्तिक कुमार पांडे सबको नहीं चीज़ बताते हैं? हमारे औरंगाबाद शहर अध्यक्ष शारुख नज़बंदी साहब ने कंटिन्यूस फॉलोअप्स लिए हैं। उन्होंने बार बार जो है तो कॉरपोरेशन ने निवेदन दिए है, जाकर आस्तिक कुमार साहब से बैठक की है, उनको जो है तो बताया है। सिर्फ महमूद दरवाजे का ही नहीं, पूरे औरंगाबाद के रोड का जो खस्ता हाल है, कटकट गेट से लेकर अगर आप दमड़ी महल तक आएंगे तो वो रोड का हाल, उसके ऊपर भी जो है तो शारुख नज़बंदी साहब ने आवाज़ उठाई है। उसी के साथ जो है तो कलेक्टर ऑफिस से मुंडा तक जो रास्ता ख़राब है उसके ताल्लुक से शारुख भी ने आवाज़ उठाई है। तो मजलिस अपना रोल पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह में आस्तिक कुमार पांडे साहब ने जो है तो कटकट गेट का विजिट भी किया, उसके रोड का विजिट किया, उन्होंने बाइक पर वहाँ पर आए थे। अल्लाह जाने उन्होंने क्या सोचकर वहाँ पर आए थे, अगर वो ज़्यादा वक्त देते तो और बेहतर होता, एक रोड की जगह 10 रोड का सर्वे करते तो और बेहतर होता, मगर क्योंकि उन्होंने कम वक्त दिया। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनको पूरा रोड की हालत बताई है। तो मजलिस पूरी जिम्मेदारी से जो है तो विपक्ष का काम औरंगाबाद शहर में और ज़िले में और पूरे मराठवाड़ा में निभा रही है। अच्छा सर, उसके अलावा हमने देखा है कि जैसे रोडों की जब बात चली है, अक्सर हमने देखा है कि कुछ रोड तो ऐसे हैं, यहाँ पर हमने आगे देखा है कि गड्ढे इतने बड़े हैं कि अगर कोई पेशेंट्स को आप एम्बुलेंस से भी अगर लाते हैं तो न जाने कोई हादसा होने के चांसेस बनते हैं। तो साहब ऐसा कब तक के चलता रहेगा? देखिए साहब, ये जो घाटी का रास्ता है, ये जो आपको सीसी रोड जो दिखाई दे रहा है, ये खादर साहब की वजह से, खादर साहब की नीति की वजह से बना है। तो जो थोड़ा रोड बाकी भी रह गया है तो उसका भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काम हो जाएगा। मगर एक अकेला खादर हर चीज़ करे ये ज़रूरी नहीं। कुछ जिम्मेदारियां जो है तो एमएलए साहब की भी होती है, कॉर्पोरेटर्स की होती है, मनपा प्रशासन की होती है। मैं आस्तिक कुमार पांडे साहब को इसके लिए खुला दोषी मानता हूँ कि उनकी गफलत की वजह से, उनकी जो है तो सेक्युलर, उनकी जो है तो अजीब सी थिंकिंग की वजह से ये औरंगाबाद शहर जो आगे बढ़ना चाहिए था, जो रोडों के कम से कम पैचवर्क होना चाहिए था, वो नहीं हो सके। क्या आस्तिक कुमार पांडे साहब को मालूम नहीं है क्या कि आप जो है तो यहाँ से टर्न मारने का घाटी के लिए आते हैं तो घाटी का जो रास्ता है उसके लिए कुछ करें? ये सारी जिम्मेदारी अकेली मजलिस की है। हम लोग तो हमारे दौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, और एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी हमने देखा है कि घाटी के अंदर गंदगी इतनी है सर कि लोग वहाँ के बाथरूम्स देखिए, सारी चीज़ें देखिए, उसको लेकर आप सर क्या आगे? पिछले 3 साल से लगातार हम लोग घाटी के अंदर वर्क कर रहे हैं, लगातार घाटी को दुरुस्त करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डी मैडम से हम लोग बार बार राब्ता करते हैं। घाटी के अंदर जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है ये मजलिस की वजह से हुआ है, वरना शिवसेना बीजेपी का ये हाल था कि एक जो है तो एक्स खासदार का जो है तो चप्पल उठाने वाला, उसका जो है तो गाड़ी चलाने वाला आदमी जो है तो सभ्यागर समिति का मेंबर हुआ करता था। साहब, मजलिस की यही वो मांग है कि पढ़े लिखे काबिल लोगों को जो है तो आप आगे करिएगा, वो आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। एक चौथी फेल चप्पल उठाने वाला क्या अभ्यागत समिति में काम कर लेगा? साहब, जो है तो जो घाटी का हाल पहले हुआ करता था, अलहमदुलिल्लाह मजलिस की वजह से उसके अंदर कुछ सुधार आया है। हमारी पूरी टीम वहाँ पर वर्क कर रही है। हमारे शारुख नज़बंदी साहब मेहनत कर रहे हैं, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब है, हमारा इमरान सालार है, हमारे अब्दुल राफी है, हाशम चौक से, सारे के सारे वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे समीर बिल्डर साहब और इनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से रोड की इन्होंने बात की है, जो वहाँ से नगर नाके से जो रोड आता है, लोग अक्सर एम्बुलेंस हमने देखा या बाकी चीज़ें बड़ी स्पीड से घाटी की तरफ आती है। गड्ढे इतने हैं शहर में, पता ये चल रहा है कि जैसे समीर बिल्डर साहब के साफ अल्फाजों में ये कहना था कि अगर कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन, और जिस तरीके उन्होंने कहा कि आस्तिक कुमार पांडे साहब रहेंगे। फिर इस दरवाजे की जब बात करते हैं, महमूद दरवाजे की पूरी तरह इसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, पूरी तरह ये ख़राब हो चुका है। इससे पहले यहाँ पर हादसे हुए, लोगों ने, कई पार्टियों ने उसकी स्टंटबाजी की। अब देखना तो ये है कि क्या ये काम होगा? स्मार्ट सिटी के अंदर हम लोग जी रहे हैं, अब ये देखने के सवाल है। दूसरी बात, समीर बिल्डर साहब ने कहा कि खासदार साहब की निधि में बहुत जल्द यहाँ से एक ब्रिज बनने वाला है, जो लॉकडाउन की वजह से काम को रुकाया गया है। अब देखना यह है कि क्या मजलिस, समीर बिल्डर साहब जिस तरीके से कहा कि वादों पे पूरा उतरेगी, या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने, आस्तिक कुमार पांडे साहब ने, इस गेट का काम जल्द से जल्द चालू होगा या नहीं, देखने की बात है। कैमरामैन शेफ इमरान बिल्डर के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। दहीपाड़े एंड मेट्रो फिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे एबीसी कॉम्प्लेक्सच्या पाटीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद।